गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज यहाँ पे है यूनिवर्सिटी में मेरा लास्ट डे, और अभी यहाँ पे बज रहे हैं 10:30। मैं अभी अभी उठा हूँ यहाँ से बिस्तर से, और अभी मुझे फ्रेश होना है और कुछ सामान वगैरह यहाँ पे जो मुझे पैकिंग करना है। तो अभी यहाँ पे जो जैसे कि जो गाइडलाइन आया है उसके हिसाब से अभी सारे ऑनलाइन क्लास हो चुके हैं, तो इस कारण हम लोग सब यहाँ पे घर जा रहे हैं। मेरे रूममेट सारे चले गए, सिर्फ एक बचा हुआ है और मैं बचा हूँ, तो आज मैं भी जा रहा हूँ घर। और एक और चीज़, मैं अपने घर वालों को यहाँ पे जो नहीं बताया अभी तक कि मैं घर आ रहा हूँ, यहाँ पे वो सरप्राइजली मैं उन लोगों के साथ मिलूँगा, तो देखते हैं कि उन लोगों का रिएक्शन कैसा होता है। तो ये ब्लॉग शायद 2 पार्ट में मैं बांटूँगा क्योंकि बहुत लंबा होने वाला है, तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो मैं यहाँ पर उठ के पहले फ्रेश होकर आता हूँ, ब्रश करके आता हूँ, ठीक है? तो फिर मिलते हैं कुछ देर बाद। भाई बहुत ठंड है इसलिए मैं ऐसे ही सोता हूँ, और अभी मैं चल रहा हूँ यहाँ पे ब्रश करने के लिए, मैं पहन लूँ। तो मिलते 2 मिनट बाद। तो गाइज़ मैं यहाँ पे जो नहा धो के पूरा रेडी हो चुका हूँ, और मैंने आज भी यहाँ पे क्लास किया और आज भी यहाँ पे क्लास करना पड़ा, उसके बाद मैं नहा धो के पूरा रेडी हो चुका हूँ। अब यहाँ पे लंच टाइम है, और लंच करने के बाद मुझे आके सारा सामान यहाँ पे जो बिखरा हुआ पड़ा हुआ है वो सारे यहाँ पे समेटने पड़ेंगे, उसके बाद मेरा पैकिंग कम्प्लीट होगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो मेरा बैग पैकिंग कर लिया था, जैसे देख पा रहे हो ऊपर मेरा बैग रेडी है, ठीक है? तो मैंने बैग पहले यहाँ पे पैक पैक कर लेते हैं जिसमें मेरे कपड़े वगैरह हैं, और अभी यहाँ पे सिर्फ जो सामान वगैरह है वो उसे यहाँ पे समेटने पड़ेंगे, उसके बाद मेरा पैकिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी चलते हैं, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ लंच करने और उसके बाद यहाँ पे आके पैकिंग करूँगा। तो आज यहाँ पे लास्ट लंच है, तो देखते हैं कि क्या बना है, मतलब आज मन नहीं है फिर भी खाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ पे रात को, तो तब तक कुछ तो यहाँ पे खाना पड़ेगा। तो चलते हैं लंच करने। तो आज लास्ट डे यहाँ पे जो है अच्छा ही खाना बना है, यहाँ पे है वेज बिरयानी, उसके साथ साथ यहाँ पे दाल है, रायता है और रोटी है। तो आज यहाँ पे जो है लास्ट खाना खा रहा हूँ, उसके बाद होगा घर पे जाके लंच होगा, तो खा लेते हैं। तो गाइस ये मेरे यहाँ पे लंच हो चुका है, और मैं मुझे लिप भी मिल चुका है, लिप में अकेला हूँ, और मैंने ले लिया यहाँ पे हॉस्टल लिप करने का फॉर्म, उसको भर के जमा करना पड़ता है और इनके पास कि आपने क्या क्या सामान यहाँ पे जो छोड़ के गए और क्या क्या सामान है आपके पास आप ले जा रहे हैं, मतलब जो आपको मिला है। तो गाइज़ अभी यहाँ पे जो सारा पैकिंग वगैरह मेरा कंप्लीट हो चुका है, मेरा बैग यहाँ पे रेडी हो चुका है, ये वाला बैग, और मेरे साथ और दो बैग जाएगा, ये वाला और ये वाला, दोनों बैग यहाँ पे यहाँ रेडी हो चुका है। मैं यहाँ पे जो पूरा रेडी हो चुका हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी देर बाद ही हम लोग निकलने वाले हैं, करीब यहाँ पे जो है 6 बजे के आसपास का टाइम दिया गया है। यहाँ पे मैं और मेरा दो दोस्त मेरा साथ जा रहे हैं, तो हम तीनों साथ में जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जो 5:48 हो रहा है टाइम, तो मैंने फॉर्म भी फिल कर लिया है जो यहाँ पे निकलने का टाइम फिल करना होता है हॉस्टल से निकलने का टाइम, तो इसको मैं 2-3 चीज़ और डालना होगा, वो सारे यहाँ पे जो फिल करके मैं और इनको दे दूँगा, सबमिट कर दूँगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे, और उसके बाद अभी यहाँ पर हम लोगों को कैब मिलेगा या फिर जो हम लोग को ऑटो में जाएंगे वो अभी तक तय नहीं हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन से में सस्ते में हम लोग जा सकते हैं, ठीक है? ऐसे हमें अभी कैब वगैरह का जो प्राइस है वो करीब 1000 के आसपास हो जा रहा है, तो देखते हैं कि अभी क्या होता है। तो चलते ही अभी यहाँ पर बाहर वार्डन के पास सबमिट करने के बाद हम लोग निकल पड़ेंगे अभी जो है जाने के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइज़ फाइनली मुझे यहाँ पे जो है पास मिल चुका है, और अभी जा रहे हैं यहाँ पे जो है गेट के पास, गेट टू में हम लोग यहाँ पे जो है कैब है फिर ऑटो लेने वाले हैं, तो देखते हैं अभी यहाँ पे जो कैब और ऑटो में कितना प्राइस लेते हैं। अभी यहाँ पे जो दोस्त ने बताया कॉल करके कि करीब यहाँ पे जो 1000 रुपये का चार्ज लग रहा है, अब देखते हैं कि कितना प्राइस पड़ रहा है। तो अभी तो यहाँ पे निकल चुके हैं पास लेके, हम चलते हैं गेट टू के पास। गाइज़ फाइनली हम लोग यहाँ पे जो निकल चुके हैं, और अभी कैब बुक करके खरड़ से जा रहे हैं यहाँ पे चंडीगढ़ स्टेशन, और वहाँ से हम लोग का ट्रेन है, मतलब अभी कैब का हालत देख सकते हो, सारे लगेज से भरा पड़ा है, ठूस गए हैं कि ठूस गई है पूरा क्योंकि कैब छोटा सा है, तो पर यह है कि मज़ा आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। हैप्पी जर्नी टू अस। सर्दी में ऐसे पैक गर्मी पैदा हो रहा है, अच्छा होता है। चलो ऋषि कुछ कहना चाहता है? बहुत मिस करूंगा यार, सीओ जल्दी खुल जाए। जल्दी वापस आएंगे, कोई बात नहीं। अमन क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, बस
आराम से जाएं और उम्मीद करो कि वापस आ जाएं, ऐसा चाहता हूँ मैं, और सभी यही चाहते हैं, बस यही उम्मीद है, इसी उम्मीद से जा रहे हैं, इसी में लौट के भी आना है, यही कहूँगा, अमन यही कहना चाहेगा। हाय हाय, चलो फिर मिलते हैं चंडीगढ़ स्टेशन में, बाय। तो गाइस हम लोग यहाँ पे जो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं, देख पा रहे हैं, और अभी चलते हैं अंदर। तो गाइज अभी यहाँ पे जो स्टेशन बहुत खाली खाली सा है, पहली बात तो यहाँ पे है कि अभी लोगों का आना जाना कम हो चुका है, और उसके दूसरे कारण यहाँ पे है कि अभी रात का टाइम है, तो फिर स्टेशन बहुत सा बहुत यहाँ पे जो कम लोग यहाँ पे स्टेशन में हैं, तो जाके देखते हैं कि अभी हम लोग कहाँ वेट करते हैं, वेटिंग रूम कहाँ पे है, और फिर हम लोग का ट्रेन है करीब डेढ़ बजे के बाद, तो उसके बाद हम लोग को देखना पड़ेगा कि ट्रेन कहाँ से आ रहा है, कौन से बॉटम से आ रहा है। बहुत ठंड है भाई। हाँ, और काफ़ी तेज़ हवा चल रहा है, तो ठंड लग रहा है बहुत बाहर। वहाँ पे कैब में थे तो उतना महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन अभी बाहर बहुत ठंड है। चलो अब देखते हैं कि वेटिंग रूम कहाँ पे है, वहाँ पे वेट करना पड़ेगा अभी। तो अभी हम लोग फाइनली यहाँ पे जो है स्टेशन के अंदर आ चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पे वेटिंग रूम हम लोग को नहीं दिया गया, मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट जो स्लीपर का वेटिंग रूम है वो भरा पड़ा है, और यहाँ पे जो VIP लॉज है वो भी यहाँ पे जो है बंद है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो बाहर वेट कर रहे हैं, और अभी यहाँ पे जो है हम लोगों को 1 बजे तक वेट करना है, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हम लोगों का ट्रेन आने वाला है, तो अभी वेट करते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि कब तक हमें वेट करना पड़ता है, और ऐसे तो यहाँ पे बैठ के वेट करना बहुत मुश्किल है, तो देखते हैं कि अब क्या होता है। तो अभी यहाँ पे स्टेशन में ही बैठे रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे यहाँ पे, और देखते हैं कि अभी क्या होता है। तो आज हम लोग यहाँ पे ट्रेन में चढ़ चुके हैं, और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे ऋषि के कोच में, क्योंकि ऋषि के कोच में ऋषि अकेला है, तो मैं उसके साथ ही यहाँ पे रहूँगा जब तक वो है, वो कानपुर उतर जाएगा, उसके बाद जाके मैं आऊँगा अपने कोच में। तो आज इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और बाकी का जो सफ़र है वो मैं यहाँ पे नेक्स्ट ब्लॉग में स्टार्ट करूँगा। तो फिर मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिएगा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड जय हिंद।